अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब आपका नाम? हाजी अशफाक अहमद। हाजी अशफाक अहमद, कहाँ से आए हो? बरेली से। बरेली शरीफ से। और कौन आया है साथ में? और हमारे घर में आई हुई है। कौन? हमारे घर में आई हुई है हजी। अच्छा, अहलिया आई है। जी जी। अच्छा, आप पहले भी आ चुके हैं राह ट्रेवल से? ना, पहली बार आए हैं। उमरा के लिए पहली बार आए क्या? उमरा के लिए पहली बार आए हैं, हज के लिए कई बार आ चुके हैं। अच्छा, हज के लिए पहले किस टूर से आए थे? उससे आए थे हज कमेटी से। कमेटी। अच्छा, अभी हमारी सर्विसेज में कुछ कमी लग रही है आपको? ना, कोई कमी नहीं आ रही है। अच्छा, पहली बार आए हो, आपको खाना पीना वगैरह सब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मिल जाता है। आपने सोचा होगा भाई पहली बार जा रहे हैं, कैसा पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कैसा खाना होगा। जी जी जी। इंसान डरा होता है। अभी आने के बाद आपका सब सेटिस्फाइड हो गया? सही है सब? जी हाँ, सब बढ़िया है। सब सही से मिल रहा है, जो जो बोला गया था, खाना पीना जैसा होगा, लॉन्ड्री सर्विस होगी, सब कुछ बराबर से मिल रहा है आपको? जी। और आपके साथ में जो साथी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एक्सपीरियंस वाले हैं, हमारे साथ 3-3 साल से आ रहे हैं, वो उनका भी गाइडेंस मिल रहा होगा आपको? जी, वो सब बता रहे होंगे जो आपके साथ में जो भी है लोग। ठीक है, तो कुछ सजेशन है कि सर्विस में और कुछ सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये बस सर्विस बढ़िया है। अच्छा, अच्छी लगी मतलब आपको? अच्छी। तो अभी आप जाओगे तो अपने दोस्त यार में सब जगहों पे बताओगे? हाँ, सबसे तारीफ करेंगे, बतलाएंगे उनको, रिश्तेदारों में बताओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भेजने की कोशिश करेंगे। जी जी। अब अभी इंशाल्लाह दुआ करो, बोले अगले साल भी या तो रमजान में या तो आधे साल पूरी फैमिली के साथ आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इरादा करिएगा। हाँ, इरादा करके इंशाल्लाह अगले साल को आएंगे इंशाल्लाह। साथ में अपने साथियों को, दोस्तों दोस्त यारों को भी ले आइएगा। जी जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।